वेलकम टू हर्फ, अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एनर्जी, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसकी कंटिन्यूएशन है। बेसिकली जो लेक्चर है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास अगर एक बॉडी है, जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्राउंड है, हमने इसको लिफ्ट करके बॉडी को इस पोजीशन तक हम लेके आए हैं, और इस पूरी हाइट को हम एच कह देते हैं। तो हमें बेसिकली अब प्रूव ये करना है कि किसी भी पॉइंट पे जो बॉडी का टोटल एनर्जी है वो बेसिकली कांस्टेंट है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस बॉडी को इस यहाँ तक ले आए हैं, इस वक्त ये बॉडी रेस्ट पे है इस जगह पे, और अगर इसको हम ड्रॉप करते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती फाइनली यहाँ पे मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो हमें ये प्रूव करना है कि टोटल थ्रू आउट इसकी जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट है। चलें जी, हम यहाँ पे हमें पता है कि इस वक्त इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है क्योंकि वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है। तो टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर हो गई mgh के, mgh प्लस ज़ीरो mgh। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज x, तो ये जो बचा कुचा डिस्टेंस हमारे पास आ गया दैट वुड बी एच माइनस एक्स। तो क्या यहाँ पर भी एनर्जी एम जी एच के बराबर होगी या नहीं, लेट्स प्रूव दैट। ये टोटल एनर्जी आपको पता है जी बराबर है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के, तो यहाँ पे जो आपकी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वो है एम जी एच माइनस एक्स, और यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, माजरत, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर के। अब वी जो है वो बेसिकली इस पॉइंट की वेलोसिटी है जो डिस्टेंस एक्स कवर हो चुका है इस पॉइंट की। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगा सकते हैं वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ये आ जाएगा आपके पास वी इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एक्स। अब वी इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एक्स अगर आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में डालें तो ये आ जाएगा एम वी अंडर रूट टू जी एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल एंड टू टू से कैंसिल, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम जी एक्स, यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी एम जी इंटू एच माइनस एक्स, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो थी एम जी एक्स। तो आपके पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी वो बराबर आ जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, एम जी एक्स कैंसिल, यहाँ पे एम जी एच, यानी किसी भी पॉइंट पे आपकी एनर्जी एम जी एच के ही बराबर है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी एम 1/2 एम वी स्क्वायर होगी, जो भी एम जी एच के बराबर किस तरह है, अगर हम v की जगह पे v स्क्वायर की जगह पे 2gh पुट कर दें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन आपकी काइनेटिक एनर्जी भी एम जी एच के बराबर आ जाएगी। तो किसी भी पॉइंट पे आपके ब्लॉक के किसी भी पॉइंट पे जो एनर्जी है वो एम जी एच के बराबर होगी टोटल, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ओबे होता है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। किसी भी हवाले से कोई क्वेरी हो, कोई ऑन डिमांड लेक्चर की डिमांड हो, एडवांस कोर्सेज, यूनिवर्सिटी कोर्सेज, कुछ भी, तो काइंडली कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन से रब्ता कीजिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।